हाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे तो ये सारा क्रेडिट उन सभी बच्चों को जाता है जो मुझे इतना अप्रिसिएट करते हैं कि सर जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अभी क्या टाइम चल रहा है? टाइम मतलब ये वाला अच्छा टाइम बुरा टाइम वाला नहीं, समय हमेशा निरंतर बदलते रहती है और एक काल चक्र हम लोग के लाइफ में हमेशा चलते रहता है। तो इन सारे बीच में एक अच्छे वक्त एक बुरे वक्त आते हैं, एक फाइट करने का टाइम आता है। तो अभी हम लोग का टाइम थोड़ा सा फाइट करने का ही है सर। फाइट मतलब जाकर किसी से झगड़ा नहीं कर लेना है, हमको फाइट करना है। एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं यू नो, मुझे फाइट करना है ये जो महामारी फैला हुआ है कोरोना से, इन सारी चीजों में आप लोगों को प्लेन सिक्योर रहना है। अभी हमारे माननीय जो हमारे देश के पीएम हैं मोदी जी, उनका भी कल राष्ट्रपति संबोधन है। हम ज्यादा उस चीज में डीपली जाना नहीं चाहेंगे बिकॉज आप लोगों को पता है 22 तारीख को पूरे तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करना है। कुछ लोग तो मतलब मजाक में ले लिया यार, कोरोना नहीं है कुछ नहीं है, पागल है ये। छोटी छोटी गलतियां अगर आपको मतलब एक लेवल चलता है फेज फेज ए फेज बी फेज सी आपको देखना है ना फेज, तो आप देखिए इटली का फेस देखना, देखिए चाइना का, अमेरिका का। भगवान ना करे कि हम लोग के लाइफ में हम लोग की चीज में वो वाला दिन यहाँ पे आए। अभी जो हम लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं ये बहुत बुरा है। मतलब फर्स्ट मेरा वीडियो एक्चुअली वो सैनिटाइजर से रिलेटेड था और आज हमारे सर का रिक्वेस्ट है। आज हम अभी हम क्या लिखा हुआ है सर, द ब्रांड ऑफ क्या है, द बिग ब्रांड ऑफ इंग्लिश क्लासेस के ये स्टूडियो में अवेलेबल है, आपको ऊपर लोगो दिख रहा होगा, द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में थोड़ा दो लाइन हो जाना चाहिए। सारे लोग का क्लास बंद हो गया, ये वो पहले स्टार्ट करने वाले हैं शायद। इन लोग इनका यूट्यूब चैनल आप लोग बहुत वीडियो इनका देखते हो, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो मेरा उद्देश्य मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की तारीफ करना या बुराई, लेकिन जो रियलिटी है उसको आपके सामने लाकर रखना। सर का पहल रहा, किसी का मन नहीं लग रहा है क्रिकेट खेलने में भी थोड़ा सा भाई साहब टेंशन है। हम सीतामढ़ी के टीचर लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार हैं, हमारे सेम फैकल्टी के लोग हैं भाई साहब, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा इतना प्यार व्यवहार बना हुआ है अगल बगल हर जगह। मतलब तो हम लोग का जो सौहार्द है और सारा क्रेडिट ना ये भाई ये लड़के को जाता है, इसके श्रीवास्तव सर को। वो क्या सर, आप उससे क्या क्रेडिट क्रेडिट का बात कर रहे हैं सर? तो हम लोग बोलते थे भाई मन नहीं लगता है, तो सर बोले आई ना सर यूट्यूब बनाई ना, बच्चा सब घर है सब ने मोबाइल रख रहे हैं, जियो के नेटवर्क यूज कर रहा है, अब ये सदता नहीं आपके चक्कर में पबजी उबजी खेल रहा है, आप कुछ करते नहीं है, आपके वो लोग अपने टीचर को, सारे टीचर को हमको नहीं, जितने भी स्टूडेंट जहां जहां पढ़ते हैं अपने टीचर को अपना हीरो समझते हैं। अगर आप उनसे वोटिंग कराइएगा ना भाई, आपका जो एक्टर है अजय देवगन या फल्ला सर, हम अपना नाम नहीं ले सकते सॉरी, तो बोले नहीं पाले सर। टीचर राष्ट्र निर्माण में जितना सहयोग देते हैं ना, ये आप मतलब आपको समझाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मतलब उनका एक गजब रोल है। कहा जाता है एक लाइन है हमारे गुरुजी सिखाते हैं, हम उनको बोले थे ना हम पढ़ाते हैं अरे पागल कहीं का बस एकदम, वो बोले थे टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सम्मानीय। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये न्यूमेरिकल बनाने की सिर्फ है? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाने की है? समय पे आकर आपको जागरूक करने की है। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा हर एक तरीके से आपको एप्रिसिएट करने की जरूरत है। आपको आपके डिसिप्लिन को मेंटेन कराना, घर में आपका बिहेवियर कैसा हो, आप एकदम मतलब नशा के प्रति न जाए, और ये समय चल रहा है तो इसमें आप भाई किसके स्टूडेंट हैं, हमारे या सारे अपने सर के स्टूडेंट? ये तो एक सोशल मैसेज है, पार्टिकुलर मेरे लिए नहीं है। तो आप प्लीज जहां भी है ना जैसे भी है ना आप खुद सिक्योर रहकर बाहर अभी नहीं निकलना है, लेकिन अपने फैमिली वाले को आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली, वीडियो दिखाइए हल्के में मत लीजिए, बस कुछ सप्ताह की बात है आपका क्लास खुल जाए। अगर आप लापरवाही किए ना तो फिर पढ़िए ऐसे ही यूट्यूब यूट्यूब खेलेंगे ठीक है। आपकी थोड़ी सी सावधानी फिर से दोबारा हम लोग का क्लास खुल जाएगा, जिससे हम सामने रूबरू होंगे, फिर से पूरा मेरा पूरा सीतामढ़ी मेरा पूरा बिहार मेरा पूरा इंडिया
हंसेगा बोलेगा और फिर से हम अपने पुराने पटरी पे। लेकिन जो गलती ना अमेरिका चाइना जो शुरुआती स्टेज में किए थे वो प्लीज मत दोहराइए, इग्नोर मत कीजिए। मुझे एक सर आया बोले क्या है संडे के दिन मैच खेलने चलना है, मतलब बिल्कुल नहीं, आई सपोर्ट वो क्या कर्फ्यू है जनता कर्फ्यू, हम सपोर्ट करते हैं दिल से, उस दिन अच्छा लगेगा, एक दिन घर में अगर फैमिली को दे देना मजा आ जाएगा। तो सर के बारे में थोड़े सॉरी पता नहीं इतना बात मन में यार इतना है ना, 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा लेकिन हमें जाना है, हमको कहीं बता नहीं सकते सॉरी। तो हम नहीं चाहते काफी कम समय, सर के बारे में जितना बोला जाए कम, ये वो आदमी है सारे टीचर को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर भाई साहब आप वीडियो बनाइए आप, हमारे जैसा जिद्दी पढ़ियल आदमी यू नो कि वीडियो भाई वीडियो हमसे ना हो पाएगा, ये लड़का देखिए हमको कहां खड़ा करवा कर किसके लिए बुलवा रहा है, अपने लिए बुलवा रहा है। और इससे गर्व की बात हमको मतलब लाइफ में कुछ नहीं है, ये भाई मस्त, हम इसका कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहे हैं कि हाँ दूसरा लोग सुने, सारे वो इंग्लिश वाले सर, सारे वो फिजिक्स वाले सर, सारे मैथ वाले सर, अन्य सारे सब्जेक्ट वाले सर, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, किन्हीं को सब अपने मतलब अच्छा लगता है। आप लोगों को भी मिलिएगा ना, तो अभी रिसेंटली हम सॉरी यार मार्च गए थे गोइंगा, सब लोग से मिले हैं बहुत अच्छा लगा है, पर सब लोग का बात व्यवहार टीचिंग प्रोफेशन अपने जगह है, लेकिन इन सारे समय में हम सब लोग मिलकर एक साथ सारे लोग ये काम कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं अपने, सारे लोग अपना जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से बोल रहे हैं, बाबू सिक्योर रहिए, आप सिक्योर रहेगा तब जाकर के ये क्लास बनेगा ये खुलेगा। विशेष हमारे पास कोई वर्ड है नहीं बोले तो इतना बात है, और पीछे हाथ नहीं जाएगा, पीछे बोर्ड है, समय कम पड़ जाएगा, इसलिए बस क्या करना है 3-4 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले सर को थैंक यू, छोटे वाले सर को। दूसरा 22 तारीख ठीक है। तीसरा दादी उदी को घर से बिल्कुल एकदम बांध दीजिए प्यार से, दादी ना जाके ले या भाई दादी के साथ बात कीजिए, मम्मी के साथ बात कीजिए, अकेला छोड़ देते हैं घर में बुजुर्ग को, कहां यार मन जाएगा, आप तो साथ में रहते नहीं, दादी को बैठा देते अपने निकल जाते हैं। इन सारी चीजों को पहल करके एक अच्छा संदेश देना है, एक अच्छा मैसेज देना है कि देखिए भाई सीतामढ़ी का टीचर, ये वीडियो इतना आगे चल जाए ना ट्रोल हो जाए, देखिए टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाना ये देयर रूप इज हैंग फ्रॉम ये होते रहता है यार, वो अलग जगह है, पहले डिसिप्लिन पहले हेल्थ, जब तक हेल्थ नहीं है हम अगर हम आज इंफेक्टेड होते तो हम यहां खड़े होते क्या, मार के भगा देते सर जी हमको वही। तो पहले बस विगत कुछ सप्ताह दे दीजिए टीवी से, ये मेरा कोई वर्ड लाइन नहीं है, हम भी कहीं से पढ़ के आते हैं, लोग आप लोग देख रहे हो ये तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं सर जी हो गया, यस हमारी कुछ बातों को बोला जाता है, बोले भी थे टीचर लाइक एज ए हीरो अपने स्टूडेंट का, और हीरो मतलब ये नहीं उसकी बातों का उसकी अदाओं का हर चीज का बच्चा दीवाना होता है, और शायद इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है इस मैसेज को कि प्लीज 22 के दिन तो नहीं ही निकलना है, और कुछ दिन सावधानी से रहेंगे तो फिर से हम वही इसको मतलब हल्के में मत लीजिए, बोल रहे हैं बिहार में कहो केस नहीं, इसलिए तो लापरवाह हो जाएगा, अच्छी बात है हमारा क्या सिर्फ बिहार हमारा है क्या पूरा इंडिया में नहीं है, जो लोग आज संक्रमित है वो मेरे अपने नहीं है क्या, वो इंडिया में नहीं है सब लोग हैं, इसीलिए प्लीज कुछ दिनों तक घर में रहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं क्या करें, वर्क होता है इसलिए आना पड़ता है, हम अकेले आते हैं मास्क लगा के आते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग जो ये वॉच किए इसके लिए, और थैंक यू सो मच मेरे छोटे वाले सर इंग्लिश वाले, उन्हीं ने हमको इतना फ्रेश किया कि नहीं सर आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मैसेज देना पड़ेगा मेरे लिए और बच्चों के लिए कि क्या करें, बस यही था, बाय बाय।